मैं मोहनलाल वर्मा, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय राजीव रोचन महाविद्यालय राजिम, जिला गरियाबंद, बी कॉम भाग दो एवं एम कॉम सेकेंड सेमेस्टर निगमी लेखांकन अवलिक उन्नत लेखांकन की इकाई दो के अंतर्गत कंपनी के अंतिम लेखे शीर्षक पर अपना वीडियो लेक्चर प्रस्तुत कर रहा हूँ। कंपनी के अंतिम लेखे के अंतर्गत क्या क्या जानकारी प्रस्तुत की जानी है, उसके अंतर्गत सबसे पहले अंतिम लेखे का आशय, अंतिम लेखे तैयार करते समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, कंपनी अधिनियम में अंतिम लेखे के संदर्भ में क्या प्रावधान है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले कंपनी की लाभदायकता एवं आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए प्रत्येक कंपनी को वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना पड़ता है। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत वित्तीय विवरण के दो पार्ट्स होते हैं, दो अंग होते हैं, पहला लाभान्विता विवरण पत्र और दूसरा चिट्ठा। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अंतर्गत भाग 1 चिट्ठे के रूप में प्रस्तुत किया गया है और भाग 2 को लाभानि के विवरण पत्र के। चिट्ठा वास्तव में किसी भी संस्था की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन होता है और लाभानि विवरण के आधार पर लाभदायकता की जानकारी प्राप्त होता है। भारत में प्रत्येक कंपनी को रजिस्टर्ड कार्यालय में मुख्य लेखा पुस्तकें, अन्य लेखा पुस्तकें के साथ साथ वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। तो वित्तीय विवरण के अंतर्गत लाभानि खाता और चिट्ठे को प्रस्तुत किया जाता है। तो लाभानि खाता किसी भी व्यवसाय की लाभदायकता को प्रदर्शित करता है और चिट्ठा जो होता है आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होता है। कोई भी कंपनी अपनी वार्षिक साधारण सभा में वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने पड़ते हैं, तो प्रत्येक संचालक को वित्तीय विवरण बनाना अनिवार्य होता है और प्रत्येक संचालक यदि किसी निर्दिष्ट अधिकारी को यदि वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है या बनाने के लिए कहा गया है और उक्त अवधि में या अर्थात वित्तीय वर्ष में उनके द्वारा वित्तीय विवरण तैयार नहीं किया जाता, तो ऐसी स्थिति में उन्हें 1 वर्ष की कारावास, न्यूनतम 50,000 रुपये या अधिकतम 5,00,000 रुपये या दोनों की सजा हो सकती है। कंपनी के अंतिम लेखे का तात्पर्य होता है कि कंपनी के द्वारा वर्ष के अंत में बनाई गई लेखे को अंतिम लेखे कहा जाता है। अंतिम लेखे को वार्षिक लेखे भी कहा जाता है, इसे प्रकाशित लेखे के नाम से भी जाना जाता है। तो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 भाग 1 और भाग 2, भाग 1 चिट्ठे के रूप में और भाग 2 लाभानि विवरण पत्र के रूप में एक निश्चित प्रोफार्मा के अंतर्गत या प्रारूप के अंतर्गत इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर भाग 1 चिट्ठा जो होता है और भाग 2 लाभानि विवरण के रूप में तैयार किया जाता है, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो इसे तैयार करने के लिए कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, इसमें कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत महत्वपूर्ण बातें जानकारी दी गई है। सबसे पहला, कंपनी के अंतिम लेखे का उद्देश्य क्या हो। तो कंपनी के अंतिम लेखे का उद्देश्य है, पहला है शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि की जानकारी प्राप्त करना। किसी भी कंपनी को अपने वर्ष भर या वित्तीय वर्ष में कितने का लाभ अर्जित किया है, कितने का लाभ उनके द्वारा कमाई गई है या उनके द्वारा आय कितना अर्जित किया है, उसमें से कितना खर्च हुआ है, इन अंतर की राशि को शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि के रूप में माना जाता है। इसकी जानकारी उनको लाभ हानि विवरण पत्र से प्राप्त होता है। दूसरा जो होता है उद्देश्य है आर्थिक स्थिति की जानकारी। कंपनी का उद्देश्य कि एक संस्था वर्ष भर में कितनी कमाई गई है, उनकी लाभदायकता की जानकारी तो प्राप्त होता है, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है अर्थात उनकी शोधन क्षमता कैसी है, वह भुगतान उनके पास जो दायित्व है उन दायित्वों का भुगतान कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये भी जानकारी उनके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो ये आर्थिक स्थिति के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है। तीसरा जो रहता है कि उनके पास कितनी
एक कंपनी के पास कितने की चल संपत्ति है, कितने की चल दायित्व है, कितने का स्थायी संपत्ति है और कितना स्थायी दायित्व है, ये जानकारी भी उनको बैलेंस शीट से प्राप्त होता है। और कंपनी की प्रबंधकीय निर्णय भी वह स्थिति विवरण और लाभ हानि विवरण पत्र के माध्यम से ज्ञात करना पड़ता है। अब तो बैलेंस शीट के संदर्भ में आदेश दिया हुआ है कंपनी अधिनियम के अंतर्गत, चिट्ठा या लाभ हानि विवरण पत्र बनाते समय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कुछ निर्देश दिए गए हैं, उन तो निर्देशों के अनुसार कंपनी का बैलेंस शीट और लाभ हानि का विवरण पत्र तैयार किया जाता है। सबसे पहले कंपनी का बैलेंस शीट बनाते समय या लाभ हानि का विवरण पत्र तैयार करते समय सन्निकटतम राशि तक गणना की जाती है। सन्निकटतम का तात्पर्य होता है कि यदि किसी कंपनी का टर्नओवर यदि 100 करोड़ से कम है तो उसे हजार दस दस हजार लाख में व्यक्त किया जा सकता है। अर्थात जो भी राशि वित्तीय वर्ष में होती है उन राशियों को यदि हजार में व्यक्त करना होगा तो हजार से विभाजित किया जाता है, लाखों में व्यक्त करना होता है तो लाख से विभाजित किया जाता है और इस प्रकार से सन्निकटतम किया जाता है। और यदि किसी कंपनी का टर्नओवर यदि 100 करोड़ से या उससे अधिक होता है तो लाख में या करोड़ में उनको सन्निकटतम किया जाता है। अर्थात जो भी राशि वित्तीय वर्ष में होती है उन राशियों को लाख से या करोड़ों से डिवाइड करके उनको बैलेंस शीट में प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा जो रहता है कि कंपनी के अंतिम लेखे तैयार करते समय लंबवत रूप में प्रोफार्मा दी गई है या अर्थात वर्टिकल में ही उसको प्रस्तुत करना पड़ता है। इसमें जो कंपनी का जो बैलेंस शीट होगा वह हॉरिजॉन्टल में नहीं होगा, अर्थात हॉरिजॉन्टल साइज को लुप्त कर दिया गया है, हॉरिजॉन्टल प्रारूप को लुप्त किया गया है। तो कंपनी का जो बैलेंस शीट होगा उसके अंतर्गत भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 अनुसूची 3 भाग 1 के अंतर्गत चिट्ठा जो निर्दिष्ट प्रोफार्मा दी गई है उन प्रोफार्मा में उनको व्यक्त करना। सबसे पहले भाग एक के अंतर्गत आते हैं, इसमें कंपनी का नाम, जिस कंपनी का आप बैलेंस शीट तैयार कर रहे हैं उस कंपनी का सबसे पहले नाम लिखना होगा। फिर उसके पश्चात बैलेंस शीट तैयार करना है तो बैलेंस शीट लिख दीजिए और जिस तिथि को तैयार कर रहे हैं उस तिथि को उनका उल्लेख किया जाता है। यह हमेशा बैलेंस शीट वित्तीय वर्ष में तैयार किया जाता है, इसलिए यहाँ पर 31 मार्च जो भी ईयर होगा उस ईयर को लिखना होगा। उसके पश्चात यदि सन्निकटतम करना है अर्थात यदि हजारों में व्यक्त करना है, लाखों में व्यक्त करना है तो ऊपर में हजारों में या लाखों में लिख देना होगा। फिर बैलेंस शीट का जो प्रोफार्मा कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के अंतर्गत दी गई है भाग एक के अंतर्गत, उसमें 4 कॉलम बताए गए हैं। तो सबसे पहला कॉलम होता है विवरण, फिर उसके पश्चात टिप्पणी संख्या, चालू वर्ष की राशि और गत वर्ष की राशि। सबसे पहले पर्टिकुलर नोट्स नंबर, करेंट ईयर अमाउंट और प्रीवियस अमाउंट। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर का अमाउंट इसलिए भी दिखाया जाता है ताकि आप बैलेंस शीट का तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर सके कि गत वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष में कितने की वृद्धि या कमी हो रही है, उनका मूल्यांकन किया जा सकता है और कंपनी की आर्थिक स्थिति प्रगति की ओर है कि नहीं है ये भी, इसलिए इसको प्रोग्रेस रिपोर्ट भी कहा जाता है, प्रगति का प्रतिवेदन के रूप में कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले 2 भाग होते हैं, प्रथम भाग ऊपर का भाग जो होता है क्षमता एवं दायित्व होता है और नीचे का भाग जो होता है संपत्तियाँ होती है। ऊपर के भाग क्षमता एवं दायित्व जो होंगे और नीचे का भाग जो है निचला भाग जो होता है संपत्तियाँ होती है, दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसलिए दोनों पक्ष यदि बराबर होता है इसलिए से बैलेंस शीट को भी तुलन पत्र के नाम से जाना जाता है। तो जो क्षमता एवं दायित्व होता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज होता है, उन इक्विटी एंड लाइबिलिटीज को 4 हेड में बांटा जाता है, 4 मुख्य शीर्षकों में बांटा जाता है। पहला शीर्षक जो होता है अंशधारियों का कोष होता है, दूसरा शीर्षक जो होता है आवंटित लंबित रहने के दौरान प्राप्त राशि होता है, तीसरा शीर्षक जो होता है कर गैर चालू दायित्व होता है और चौथा होता है चालू दायित्व होता है। इस प्रकार से 4 मुख्य शीर्षकों में क्षमता एवं दायित्व को विभाजित किया जाता है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज को जब पहला डिवाइड किया जाते हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड के रूप में होता है। इक्विटी शेयर होल्डर फंड जो होता है
इसके अंतर्गत फिर स्टॉक हेड होता है, उस शीर्षक में बांटा जाता है। तो अंशधारियों को कोष को या शेयर होल्डर फंड को तीन तीन उप शीर्षकों में बांटा जाएगा। पहला उप शीर्षक होता है शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस संचय एवं आदि, और तीसरा जो होता है अंश अधिपत्रों की अधीन प्राप्त राशि। तो सबसे पहला जो शेयर कैपिटल होता है, उन शेयर कैपिटल के अंतर्गत दोनों प्रकार के शेयर पूर्वाधिकार और समता अंश सभी प्रकार के शेयर को प्रदर्शित किया जाता है। पूर्वाधिकार अंश और समता अंश कितने का है, कितने का जन कंपनी के द्वारा निर्गमित की गई है, कितनी धनराशि प्राप्त हुई है, तो इस प्रकार से यहाँ पर कि अंशधारियों से प्राप्त राशि को टिप्पणी संख्या के अंतर्गत दिखाया जाता है, जो बैलेंस शीट के नीचे प्रदर्शित किया जाता है। तो बैलेंस शीट के नीचे जो अंश पूंजी को दिखाएंगे टिप्पणी संख्या के रूप में, तो अंश पूंजी जो होगा पूर्वाधिकार और समता दोनों प्रकार की चुकता अंश पूंजी को शामिल किया जाएगा। इसमें कौन सी निरस्त जो होता है अवशिष्ट याचना की राशि उसको घटा दी जाती है, और जो फॉरफिटेड शेयर के अमाउंट होता है या चुकाए हरण की गई राशि होता है उनको जोड़ दी जाती है। तो इस प्रकार से अंश पूंजी के अंतर्गत समता और पूर्वाधिकार अंश पूंजी जो वास्तव में कंपनी को प्राप्त की गई है, प्राप्त हुई है, उनमें से अवशिष्ट याचना को माइनस किया जाता है और चुकता राशि को जोड़ दिया जाता है। ये अंश पूंजी के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा संचय एवं अतिरिक्त के अंतर्गत ये दो भागों में व्यक्त किया जाता है, पहला रिजर्व और संचय अथवा दूसरा सरप्लस। रिजर्व अथवा संचय किसको कहा जाता है, कि संचय का तात्पर्य है कंपनी के द्वारा यदि सृजित किया गया होगा, सृजन किया होगा, भविष्य के लिए कोई निर्माण किया गया होगा, ऐसे संचय को संचय के अंतर्गत दिखाया जाता है। इसके अंतर्गत पूंजी शोधन कोष होता है, ऋण पत्र शोधन कोष होता है, पूंजी संचय होता है, सामान्य संचय होता है, और अन्य प्रकार के ऐसे संचय जो फ्यूचर के लिए सृजन किया गया, उन सभी संचय को रिजर्व के अंतर्गत दिखाया जाता है। और दूसरा जो होता है उसके साथ सरप्लस होता है, जो लाभहानि गत वर्ष का शेष होता है, चालू वर्ष के लाभहानि के विवरण पत्र का शुद्ध लाभ होता है, दोनों को जोड़ करके इसमें अंतिम लाभांश को घटा दी जाती है। तो इस प्रकार से दोनों को टिप्पणी संख्या के अंतर्गत दिखा करके कुल राशि संचय और अतिरिक्त को बैलेंस शीट के अंतर्गत यहाँ चालू वर्ष और गत वर्ष में दिखाया जाता है। तीसरा जो होता है सर के रूप में दिखाया जाता है अंश अधिपत्रों के अधीन प्राप्त राशि। अंश अधिपत्र का तात्पर्य होता है कि कोई भी पब्लिक कंपनी जो होती है वह चुकता अंश पूंजी को अंश अधिपत्रों के रूप में निर्गमन कर सकती है। अंश अधिपत्र के रूप में निर्गमन करने का अर्थ होता है कि इसमें सदस्य संख्या और अंशों की संख्या का उल्लेख नहीं किया जाता और इसमें लाभांश का वितरण नहीं किया जाता। इस कारण से यह सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरण किया जा सकता है, मतलब जिसके हाथों में यह प्रपत्र होता है या अंश अधिपत्र होता है, शेयर वारंट होता है, वही उनका स्वामित्व हो जाता है, इसलिए इसे अंश पूंजी का अंग माना जाता है। दूसरा ये पहला हेड का तीन भाग हो गया। दूसरा हेड के अंतर्गत आवंटन लंबित रहने के दौरान प्राप्त राशि अमाउंट रिसीव्ड एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट, मतलब यदि जिस तिथि को हम बैलेंस शीट तैयार कर रहे हैं उस तिथि तक यदि आवेदन की प्राप्त राशि प्राप्त हो चुकी है लेकिन उसका आवंटन नहीं किया गया है, तो वह आवंटन लंबित रहने के दौरान प्राप्त राशि के अंतर्गत दिखाया जाएगा। फिर तीसरा जो पॉइंट होता है गैर चालू दायित्व होता है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटीज का तात्पर्य होता है ऐसे दायित्व जो 12 महीने से अधिक अवधि के लिए कंपनी के द्वारा भुगतान योग्य होता है या भुगतान किया जाना है उनको शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत गैर चालू दायित्व को पुनः हम चार उप शीर्षकों में बांट सकते हैं। पहला उप शीर्षक जो होता है दीर्घकालीन उधार होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है। दीर्घकालीन उधार के अंतर्गत ऐसे उधार को शामिल किया जाता है जो कंपनी के द्वारा लंबे समय के लिए अर्थात 12 महीने से अधिक अवधि के लिए यदि उधार लिया गया होगा तो उन उधारों को दीर्घकालीन उधार के अंतर्गत अर्थात लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो कंपनी यदि विभिन्न प्रकार के ऋण पत्रों के माध्यम से, बॉन्ड्स के माध्यम से या बैंकों से दीर्घकालीन उधार लिया होगा, उन सभी प्रकार के ऋण को दीर्घकालीन उधार के अंतर्गत शामिल किया जाता है। दूसरा जो होता है आस्थगित कर दायित्व जो होता है, आस्थगित कर दायित्व का तात्पर्य कि कर का जो भुगतान किया जाता है
वह जो आधारों पर होता है, एक आय के अर्जन के आधार पर यदि या अर्थात लेखांकन के आधार पर कर दायित्व की गणना की गई होगी, कर दायित्व का निर्धारण किया होगा, और दूसरा जो रहता है आयकर नियमों के अधीन यदि कर दायित्व की गणना की जाती है, तो आयकर अधिनियम के अधीन यदि कर दायित्व की गणना यदि आय के आधार पर की गई गणना से अधिक होती है, तो ऐसे दशा ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? स्थगित कर दायित्व कहा जाता है, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, क्योंकि अपनी अंतर की राशि को कंपनी के द्वारा दायित्व के रूप में भुगतान किया जाता है, इसलिए दीर्घकालीन स्थगित कर दायित्व के अंतर्गत आते हैं। फिर आ जाते हैं अन्य दीर्घकालीन दायित्व, कि जो ऐसे दीर्घकालीन दायित्व जो 12 महीने से अधिक अवधि के लिए उधार लिया गया हो, जिसमें ऋण पत्र बॉन्ड से या बैंक से लोन लिया जाता है, जो उन सुरक्षित या असुरक्षित होता है, उनको छोड़कर के अन्य प्रकार के जो दायित्व उधार के रूप में ली गई है, उसको अन्य दीर्घकालीन दायित्व के अंतर्गत शामिल है। और द जो रहता है दीर्घकालीन आयोजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन का तात्पर्य होता है ऐसे प्रावधान से है जो लंबे समय के लिए या भविष्य के लिए, जो 12 महीने से अधिक अवधि के लिए यदि प्रावधान किया जाता है, तो उस प्रकार के प्रावधान को दीर्घकालीन आयोजन में शामिल किया जाता है। चौथा जो होता है चालू दायित्व होता है, चालू दायित्व का तात्पर्य ऐसे दायित्व से है जो कंपनी के द्वारा 12 महीने से कम अवधि के लिए यदि उधार लिया गया हो, तो उस प्रकार के दायित्व को चालू दायित्व के अंतर्गत शामिल किया जाता है। मतलब इसका अर्थ ये होता है कि वह कम अवधि के लिए लोन लिया होगा जिसका उनको भुगतान किया नहीं है, उनको चालू दायित्व के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले अल्पकालीन उधार होता है, शॉर्ट टर्म बॉरोइंग। शॉर्ट टर्म बॉरोइंग का तात्पर्य होता है कि ऐसे उधार जो 12 महीने से कम अवधि के लिए लोन लिया गया हो, तो उन उधार को अल्पकालीन उधार के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो कंपनी जो होती है, तो इसके अंतर्गत जैसे उधार लिया हो, जैसे बैंक से उधार लिया हो बैंक अधिविकास के रूप में, या अन्य प्रकार के जो अन्य व्यक्तियों से उधार लिया हो, तो इस प्रकार से जो उधार ली गई राशि को अल्पकालीन उधार के अंतर्गत शामिल किया जाए। दूसरा जो होता है व्यापारिक देय होता है, ट्रेड पेबल होता है। तो ट्रेड पेबल का तात्पर्य होता है कि एक कंपनी के द्वारा यदि वस्तुओं को उधार खरीदी जाती है या तो उधार खरीदी गई होगी, तो उस उधार का भुगतान करना बाकी है, अर्थात लेनदार और देय बिल को व्यापारिक देय के अंतर्गत शामिल किया गया है। अन्य चालू दायित्व के अंतर्गत ऐसे उधार जो 12 महीने से कम अवधि के होते हैं, उस प्रकार के उधार को अन्य चालू, जैसे अदत्त व्यय का भुगतान किया जाना है, तो उन व्यय को चालू दायित्व अन्य चालू दायित्व के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस चौथा जो होता है अल्पकालीन आयोजन, मैंने शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन का तात्पर्य है ऐसे दायित्व जो होता है या ऐसे आयोजन जो होता है जो 12 महीने से कम अवधि के लिए प्रावधान करना होगा, जिसका भुगतान करना होगा, तो इस प्रकार के आयोजन को जैसे अल्पकालीन आयोजन के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जैसे कर के लिए प्रावधान होता है प्रोविजन फॉर टैक्स उनको शामिल करें। तो इस प्रकार से बैलेंस शीट में जो इक्विटी एंड लायबिलिटीज होता है वो चार हेड में प्रस्तुत किया जाता है, और चारों हेड को जोड़ दिया जाता है, तो वह टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज होगा। दूसरा जो निचला भाग जो होता है वो क्या कहलाती है? संपत्ति कहलाती है, जिनको हम संपत्ति के रूप में एसेट्स या प्रॉपर्टी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसके अंतर्गत इन्हें भी दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है पहला भाग नॉन करेंट एसेट्स और दूसरा जो होता है करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स अर्थात गैर चालू संपत्ति, और करेंट एसेट्स अर्थात होता है चालू संपत्ति। नॉन करेंट एसेट्स का तात्पर्य होता है ऐसे चालू संपत्तियां नहीं है, मतलब ऐसे संपत्ति जो 12 माह या उससे अधिक अवधि के लिए उपयोग की जाती है, तो ऐसे संपत्ति को गैर चालू संपत्ति के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो गैर चालू संपत्ति को पुनः पांच भागों में बांट देते हैं। सबसे पहला स्थिर संपत्ति होती है फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स को पुनः चार भागों में बांटा जाता है। फिर दूसरा जो होता है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट होता है गैर चालू विनियोग, तीसरा जो होता है स्थगित कर संपत्ति, और चौथा जो होगा दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम और अन्य गैर
चालू संपत्ति। इसके अंतर्गत सबसे पहले स्थिर संपत्ति जो होती है, स्थायी संपत्ति का तात्पर्य होता है ऐसे संपत्ति जो भौतिक अभौतिक दोनों प्रकार के होते हैं और जिसका लंबे समय तक उपयोग किया जा सकता है। तो ऐसे संपत्ति क्या कहलाती है, स्थिर संपत्तियाँ कहलाती है। जैसे इसके अंतर्गत पुनः इसको दो भागों में बांट सकते हैं, मूर्त संपत्ति और अमूर्त संपत्ति। मूर्त संपत्ति किसको कहा जाता है, ऐसे संपत्ति जो वास्तविक भौतिक स्वरूप होता है, जिनको आप देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, तो उस संपत्ति को मूर्त संपत्ति कहा जाता है। इसके अंतर्गत भूमि, भवन, मशीन, फर्नीचर, ये संपत्तियाँ कहलाती है। दूसरा जो होता है अमूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति का तात्पर्य ऐसे संपत्ति होती है जो वास्तव में भौतिक स्वरूप नहीं होता, अर्थात इसका इसको न तो आप देख सकते हैं और न ही स्पर्श कर सकते हैं, केवल अनुभव किया जा सकता है। इस प्रकार की संपत्ति जो होती है अमूर्त संपत्ति कहलाती है। तो अमूर्त संपत्ति के अंतर्गत ख्याति होता है, पेटेंट होता है, कॉपीराइट होते हैं, ट्रेडमार्क व्यापार चिन्ह होता है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है, तो ये सभी अमूर्त संपत्ति के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तीसरा चालू कार्य पूंजी, इसके अंतर्गत ऐसे चालू कार्य को शामिल किया जाता है जिसमें पूर्ण रूप से निर्मित नहीं होता। इस प्रकार से जो जैसे भवन का निर्माण कर रहे हैं वे अधूरे अवस्था में, तो इस प्रकार की जो पूंजी लगी है उस संपत्ति को चालू कार्य पूंजी में शामिल किया जाता है। और चौथा जो होता है निर्माणाधीन अमूर्त संपत्ति, ऐसे संपत्ति जिनका और ऐसे अमूर्त संपत्ति जिनका डेवलपमेंट हुआ, जो विकास की ओर जा रहा है, जिसका अधूर पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हुआ है, उस प्रकार के संपत्ति को निर्माणाधीन अमूर्त संपत्ति के अंतर्गत शामिल किया जाता है। दूसरा जो होता है गैर चालू विनियोग होता है। गैर चालू विनियोग का तात्पर्य होता है यदि कोई कंपनी अपनी धनराशि को, अतिरिक्त धनराशि को दूसरी कंपनी के शेयर या ऋण पत्र में निवेश करती है, तो उसको क्या कहा जाता है, गैर चालू विनियोग कहा जाता है, जो 12 महीने से अधिक अवधि के लिए निवेश किया जाता है। फिर आ जाएंगे दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम। तो यहाँ पर दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम का तात्पर्य है यदि कंपनी के द्वारा अन्य संस्थाओं को या अपने कर्मचारी को या संचालक को 12 महीने से अधिक अवधि के लिए ऋण या अग्रिम का भुगतान किया गया हो, तो उसे दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम के अंतर्गत शामिल करेंगे। और अन्य गैर चालू संपत्ति के अंतर्गत जो रहते हैं कि उपरोक्त में जो संपत्ति शामिल नहीं की जाती, उन सभी स्थिर संपत्ति को किसके अंतर्गत शामिल करना होगा, अन्य गैर चालू संपत्ति के अंतर्गत। और चालू संपत्ति का तात्पर्य होता है ऐसे संपत्ति जो 12 महीने की अवधि में के लिए उपयोग किया जाता है, या 12 महीने की अवधि में इनको वसूल की जा सकती है, तो इस प्रकार की संपत्ति को चालू संपत्ति कहा जाता है। चालू संपत्ति के अंतर्गत सबसे पहला चालू विनियोग होता है, करेंट इन्वेस्टमेंट होता है। यदि कोई कंपनी 12 महीने की अवधि के लिए तक के लिए यदि कहीं पर निवेश किया जाता है, किसी कंपनी के शेयर को खरीदता है, किसी कंपनी के डिबेंचर को खरीदा होगा, या अन्य प्रकार से बैंक में जमा किए होंगे, तो उन सभी राशि चालू विनियोग के अंदर आएंगे। जो और दूसरा जो रहेगा स्कंध अर्थात इन्वेंट्री होता है। इन्वेंट्री का तात्पर्य होता है कि कंपनी के द्वारा जो वर्ष के अंत में यदि बिना बिका माल शेष रह जाते हैं, तो उन माल को वह स्कंध के अंतर्गत दिखाया जाता है। और इसके अंतर्गत तीसरा व्यापारिक प्राप्य है। व्यापारिक प्राप्य के अंतर्गत उन्होंने कस्टमर को सेवाएं दी गई होगी या कस्टमर को वस्तु का विक्रय किया होगा, तो ऐसे विक्रय की धनराशि अभी प्राप्त करना बाकी है, तो उनसे जो वसूल की जाने वाली राशि होती है वह व्यापारी प्राप्ति के अंतर्गत शामिल की जाती है। इस प्रकार से इसके अंतर्गत देनदार और प्राप्ति बिल को शामिल किया जाता है। रोकड़ कम रोकड़ तुले के अंतर्गत बैंक में यदि नगद जमा राशि होती है या रोकड़ होते हैं उनके पास कैश इन हैंड होता है, तो ये राशि रोकड़ कम रोकड़ तुले के अंतर्गत होगा। और अन्य अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम होता है यदि कंपनी के द्वारा अपने कर्मचारी या संचालक को 12 महीने से कम अवधि के लोन या एडवांस रूप में दिया होगा, तो उस लोन एडवांस को अन्य अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। और अन्य चालू संपत्तियां जो होती है इसके अंतर्गत उन संपत्ति को शामिल किया जाता है
जो उपर्युक्त चल संपत्ति में शामिल नहीं की गई हो उन सभी प्रकार की चालू संपत्तियों को किसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा, अन्य चालू संपत्ति के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। चालू संपत्ति के पांचवें हेड के अंतर्गत अन्य चालू संपत्ति को शामिल किया जाता है। अन्य चालू संपत्ति का तात्पर्य ऐसे संपत्ति से होता है जो उपर्युक्त चार हेड में शामिल न किया होगा, जैसे पूर्वदत्त व्यय होता है इस प्रकार के जो, या उपार्जित आय होता है, तो इस प्रकार के जो संपत्तियां होती है उन्हें अन्य चालू संपत्ति के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और इस प्रकार से बैलेंस शीट जो होता है वह संता एवं दायित्व और संपत्ति दोनों पक्ष क्या होता है, बराबर होता है। इस प्रकार से बैलेंस शीट का योग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी बैलेंस शीट सही आर्थिक स्थिति को व्यक्त कर पाएगा।